Driver, sailor, I'm praying. Hello everyone, this side Anubhav Chaturvedi again and you are watching Net High Tech. ठीक है, तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने मॉडल को प्रिपेयर किया था, ठीक है, और मॉडल को प्रिपेयर करने के बाद हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा अपना इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो पहले सारे फोल्डर क्लोज कर दो, मेन फोल्डर कर दो, ठीक है, मेन फोल्डर पे जो भी लिखा है रिमूव कर दो जस्ट। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, जावास बनाना स्टार्ट करेंगे अपना। और अगले वीडियो पे हम थोड़ा सा यूआई भी कवर करेंगे, पहले हम इस वीडियो पे अपना मेन मोड देखते हैं। फ्रॉम हेड से कॉल करने वाले हैं, हेड डॉट माउथ, ठीक है, स्टार लगा देता हूँ डायरेक्ट, फ्रॉम हेड डॉट ईयर, स्टार लगा देता हूँ फ्रॉम। गाइस स्टार का मतलब होता है कि ये पर्टिकुलरली उसके अंदर के सारे फंक्शंस को कॉल कर रहा है डायरेक्टली। मैं हेड से ही किसे कॉल करूँगा, डॉट ब्रेन, और यहाँ पे स्टार लगा दूँगा। अभी हमारी ब्रेन वाली फाइल पूरी ब्लैंक है, मैं बताऊंगा अभी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, डेफ बना लो। डेफ करने के बाद क्या करो, यहाँ पे लिखो सीधा सीधा, आप पहले बनाओ इस पर जार्विस, ठीक है, जार्विस फंक्शन, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जार्विस के अंदर क्या करो, वेट करो। वेट करते के बाद आप क्या करो, इस पर एक नया फोल्डर बनाओ, नया फोल्डर बनाओ, और नया फोल्डर तो ठीक है, क्या करो यहाँ पे पहले, सबसे पहले आप, हम वो बना लेते हैं पहले, ठीक है, हमारा ब्रेन। ब्रेन कैसे बनाएंगे वो बता देता हूँ आपको, हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारा ये जो मॉडल है ना, प्रिपेयर्ड मॉडल, इसको हम ये वाला माइंड वाला एलिमेंट कॉल कर लेंगे। चलो कॉल कर लेते हैं पहले, फ्रॉम फ्रॉम, ये हमारा ट्रेनिंग वाले है ना, तो ट्रेनिंग अंडरस्कोर मॉडल, इम्पोर्ट मॉडल इन माइंड, माइंड है इसके अंदर, अगर इस पर माइंड ही था, आई थिंक सो माइंड ही है। यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे हमें कुछ करना तो नहीं था, माइंड ही तो है, कॉल क्यों नहीं हो रहा ये चेक कर लेते हैं। मॉडल ट्रेनिंग डॉट, ओके, ट्रेनिंग डॉट मॉडल में हमें क्या करना है ना, यहाँ पे हमने सिर्फ ऐसे लिख दिया ट्रेनिंग डॉट, ये रहा मॉडल, और यहाँ से माइंड, अब चला गया यार, ठीक है। इसी तरह हम स्पीक फंक्शन यहाँ से कॉल करेंगे, हेड डॉट, एक्चुअल में गाइस पॉइंट के अंदर हमने ऑलरेडी स्पीक फंक्शन दे के रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे फिर से नीड है, ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है, ब्रेन के अंदर आ जाओ सीधा। अब क्या करना है ना, हमें विकीपीडिया वाला एक फंक्शन चाहिए होगा, तो चैट जीपीटी से लेना है, चैट जीपीटी से ले लो, मेरा सोर्स कोड चाहिए मेरा सोर्स कोड ले लो, जहाँ से आपको चाहिए वहाँ से ले लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको एक पुराना जो कोड है उसको मैं मॉडिफाइड करूँगा अपने जार्विस का ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ब्रेन में जाऊँगा, ब्रेन 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 के रहा पे, पहले मैं गाइस ये ब्रेन यूज़ कर रहा था, तो इसमें क्या करना था मुझे, मैंने लोड फाइल करनी थी, मैंने लोड फाइल डाला हुआ था, सेव फाइल डाला हुआ था, और यहाँ पे ओपन एआई का यूज़ कर रहा था ब्रेन, और ये रहा विकी सर्च का, ठीक है, विकी सर्च और गूगल सर्च, ये दोनों फंक्शन मैं यहाँ से उठाने वाला हूँ, ठीक है, इस तरीके से विकी सर्च और गूगल सर्च, और इसको मैं सोर्स कोड में जाएगा, परेशान मत होना, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या क्या इंपोर्ट करना है, थ्रेडिंग, इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और सिंपल सा आर्गुमेंट को ऐसे कॉल कर लेना, यहाँ से विकिपीडिया इंस्टॉल हो गई, थ्रेडिंग को भी कर लेते हैं इसी तरीके से। गाइस ये भी एक तरीका होता है पाइथन में मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने का, यहाँ पे स्पीक फंक्शन को कॉल करना ही पड़ेगा हमें, फ्रॉम हेड डॉट माउथ, और यहाँ से हम स्पीक करने वाले, यहाँ से स्पीक कर रहा चला गया, ठीक है। और ये रहा प्रिंट एनिमेटेड वाला फंक्शन, तो प्रिंट एनिमेटेड वाला फंक्शन भी हमें यहाँ पे मिलने वाला है, तो ये रहा प्रिंट एनिमेटेड फंक्शन। वैसे क्या है ना, मतलब एक जैसा आप चैट जीपीटी रिस्पॉन्स करता है वैसा ही ये रिस्पॉन्स देगा हमें, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इम्पोर्ट एस वाई एस कर लेते हैं, इम्पोर्ट एस वाई एस कुछ इस तरीके से, ठीक है।
इतना करेंगे, इंपोर्ट टाइम भी करना होगा हमें, इंपोर्ट टाइम कर लिया, ये काम हो गया, यहाँ से एरर चला गया। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, अब यहाँ पे क्यू एन ए डिक्ट क्या है, मतलब यहाँ से देख लेते हैं कि पहले मैंने क्या यूज़ किया था। क्यू एन ए डिक्ट में एक्चुअली मैंने जो फाइल दी थी ना, ये इनको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कोई नहीं, आपको फाइनल कोड दे दूँगा, परेशान मत होना, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लोड क्यू एन ए डेटा, अब यहाँ लोड क्यू एन ए डेटा चेक करना पड़ेगा, हमने कहाँ से इंपोर्ट किया था। लोड क्यू एन ए डेटा ये रहा, ये एक फंक्शन था हमने बनाया था, इसे भी इसके अंदर भी डाल देते हैं, उसके नीचे डालते हैं, ठीक है, यूसेस के बाद में यहाँ पे, और इसको ठीक इसके बाद कॉल कर लेते हैं ताकि ये सही से काम कर सके। ये हो गया हमारा लोड क्यू एन ए, ठीक है। अब सेव क्यू एन ए का एक फंक्शन था, ठीक है, ये रहा सेव क्यू एन ए का फंक्शन, इसे भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और ये रहा हमारा मेन, इसको थोड़ा ऊपर ही कॉल करेंगे, यहाँ पर सेव क्यू एन ए डेटा, ठीक है। अब वेब ब्राउज़र, ये तो सिंपल है, इसे यहाँ से कॉल कर लेंगे, इंपोर्ट वेब ब्राउज़र, इंपोर्ट हो गया, सारे चले गए, ठीक है। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये क्यू एन ए जो वाली फाइल है ना, इसको यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे एक पाथ दूसरा जो है उसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आर लगाना पड़ेगा, आप यहाँ पे अपना पाथ जरूर रिप्लेस कर देना फाइल वाला, ठीक है। और तो सब सही है। अभी हमने क्या किया, हमारे पास एक गूगल सर्च वाला फंक्शन, हम देख लेते हैं कैसे काम करता है गूगल सर्च, ठीक है। एक एक करके सारे फंक्शन टेस्ट करेंगे अभी। गूगल सर्च, अभी मैंने अगर पूछा हाउ, मैं अगर पूछता हूँ हु इज अनुभव, और यहाँ से इसको क्या करूँगा, रन करा देता हूँ, ठीक है, और वेट कर लेते हैं। You can see search results for Anubhav in Google on your screen. ठीक है, ये ऐसे सर्च कर देगा, ये इसका एंड होगा तब ये कुछ भी नहीं बता पाएगा अनुभव के बारे में, तब ये यहाँ पे सर्च कर देगा। ये हो गया इसका ब्रेन, ठीक है। और अभी मैं इसको हटा देता हूँ, अब विकीपीडिया पे पूछते हैं, ठीक है। विकी सर्च पे जाऊँगा और लिखूँगा हु इज अनुभव, सर्च कर देता हूँ, Anubhav Sinha is an Indian film director, producer and screenwriter who works in Hindi films. He is notable for movies like Rawan 2011, Tumbin 2001, Duz 2005, Mulk 2018, Article 15 2019, Thapad 2020 and Beat 2023. ठीक है, इसने क्या किया, विकिपीडिया सर्च किया कि अनुभव कौन है और क्या किया, उसे विकिपीडिया से लिया, विकिपीडिया से लेने के बाद क्या किया उसने, उसने प्रिंट कराया समरी के रूप में और उसे लास्ट में सेव भी किया। मैं इस वाली फाइल पे अगर जाता हूँ जो मैंने अभी फाइल बनाई थी, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पे अभी कोई फाइल नहीं आई है, बट देखते हैं कि सही से काम कर, क्योंकि अनुभव आई थिंक ऑलरेडी स्टोर्ड है इसलिए स्किप कर रहा है। तो मैं वापस से ब्रेन वाले में जाता हूँ, कुछ नया डेटा देता हूँ उसे, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा इस फाइल चेंज कर दी थी पाथ ना, क्यों आने वाला, यहाँ पर मैंने पाथ चेंज कर दिया था और नीचे, ठीक है। अब मैं हु इज एस आर के लिख देता हूँ, Shahrukh Khan, pronounced XXN, born the 2nd of November, 1965, also known by the initialism SRK, is an Indian actor and film producer who works in Hindi films. Referred to in the media as the Badshah of Bollywood and King Khan, he has appeared in more than 90 films and earned numerous accolades, including 14 Filmfare Awards. यहाँ पे मैंने वन इसलिए लिख दिया कि गाइस मैं इतना बड़ा सेंटेंस नहीं चाहता, क्योंकि मैं अगर देखो यहाँ पे इसने सेव कर दिया, शाहरुख खान ये वाली लाइन इसने नहीं डाल दी, जो भी चीज़ इस पर पहले से होगी उसे ये स्किप कर देगा, बाकी नई लाइन, तो यहाँ से ऑलरेडी इसके पास ना डेटा आता जाएगा, तो इसके लिए परेशान मत होना,
और भी डेटा डेटा ऐसे ऐसे करके ना डेटा आते ही जाएंगे इसके पास। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेन वाला चीज़ हो गया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, एक लॉजिक लिखेंगे। लॉजिक क्या लिखेंगे कि हमारा जो जार्विस है उसका मेन ब्रेन यहाँ पे काम करेगा। ब्रेन डेफ ब्रेन करके एक फंक्शन बनाएंगे, डेफ डेफ। ठीक है, डेफ ब्रेन। गाइस प्रीवियस वाले मॉडल पे मैं यहाँ पे चैट GPT की जो OpenAI की थी मैं यूज़ कर रहा था, लेकिन इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो मैंने OpenAI का जो है तो रिस्पॉन्स यूज़ किया था, बट मैं अभी इस पर क्या करने वाला हूँ बताता हूँ आपको। इसमें हाँ यही फंक्शन में पूरा कॉल कर लेता हूँ, सिंपल यहाँ से कॉल करता हूँ सिंपली, और इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, और अब मैं यहाँ से हटाने क्या वाला हूँ, इसको हटा दूँगा, सॉरी ये इसको बस हटा दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूँगा, माइंड को कॉल कर लूँगा, अंदर क्या आर्ग्यूमेंट पास कर दूँगा, टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट क्या है, ये ब्रेन के अंदर पास कर दूँगा। ठीक है, अभी क्या करेगा, टेक्स्ट लेगा, माइंड पे डालेगा, माइंड से जो रिस्पॉन्स आएगा रिस्पॉन्स पे डालेगा, रिस्पॉन्स को क्या करेगा, इफ नॉट रिस्पॉन्स, अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो ये क्या करे। अब यहाँ पे आई थिंक हमें प्रॉम्प्ट भी देना होगा कॉमा लगा के, देखते हैं इसमें देख रखा क्या, इसमें प्रॉम्प्ट ही डाल के रखा है। ठीक है, अगर हम उसे रिप्लेस करके टेक्स्ट लिख देते हैं उसको, सिंपल है कुछ इतना इस तरीके से। ठीक है, अगर ये रिकॉग्नाइज ना कर पाए तब आप विकिपीडिया पे चले जाओ। ठीक है, यहाँ पे भी टेक्स्ट डाल देता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट पे चले गए हम, यहाँ पे भी टेक्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्रॉपरली एक ब्रेन बनाया अपना, ब्रेन के अंदर क्या डाला, माइंड से जो चीज़ें थी हमने ट्रेनिंग मॉडल से उसे रिस्पॉन्स में स्टोर कराई। अगर रिस्पॉन्स मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो विकिपीडिया में वो चीज़ भेज दो और रिटर्न कर दो। ठीक है, अब ये विकी सर्च में क्या करेगा, यहाँ से विकिपीडिया में सर्च करेगा चीज़ें। ठीक है, इस तरीके से बाई चांस विकिपीडिया में नहीं मिलता है तो क्या करेगा, गूगल सर्च कर देगा, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बनाया, हमारा ब्रेन बना चुके हैं हम, प्रॉपर ब्रेन है हमारे पास, और आई थिंक 90% चांसेस ये हैं कि हमारा ये जो माइंड है ये आंसर दे ही देगा। बाई चांस नहीं दे पाता है या कोई एरर आ जाता है उस केस पे विकिपीडिया आंसर देगा, और फिर देन वो भी नहीं दे पाता तब गूगल सर्च हो जाएगा। ठीक है, मतलब रुकेगा नहीं कोई मिला के हमारा जार्विस, ये समझ जाओ। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ब्रेन। ठीक है, और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हाँ आज के लिए इतना ही रखते हैं, हमारा ब्रेन तो रेडी हो गया है। अगली वीडियो पे हम क्या करेंगे, ब्रेन को इंटीग्रेट कराएंगे इससे मेन फाइल में, साथ ही यूनिक फंक्शंस बनाने वाले हैं, जैसे विश करने का फंक्शन और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम इसमें इनबिल्ट करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे। टेक केयर, ध्यान रखना अपना, और जार्विस की सीरीज को फॉलो करते रहना, बहुत एडवांस बनाने वाले हैं। ठीक है।